नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हॉस्पिटल मोर श्रम कल्याण में विवेकानंद जयंती पर दीपक और पुष्पांजलि अर्पित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के सदस्य सनातन उपाध्याय ने वहीं कहा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को था। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों का योग वेदांत की शिक्षा के अवगत कराने का श्रेय भी स्वामी जी को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद की जितनी बात करें उतना कम है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम वही नरेंद्र नाथ दत्ता बताया जाता है। इन्होंने नारे के नाम से ही आगे प्रसिद्ध हुए। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्मिक की तरफ हो गया था। विवेकानंद जी बचपन से ही बुद्धिमान थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि माँ के आध्यात्मिक प्रभाव और पिता के आधुनिक दृष्टिकोण के कारण ही स्वामी जी को जीवन अलग नजरिए से देखने का वो गुण मिला। स्वामी जी के पिता कोलकाता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। वहीं उनके दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे और 25 वर्ष की आयु में ही साधु बन गए थे। पारिवारिक माहौल ने उनकी इस सोच को आकार देने में काफी मदद की। नरेश बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके व्यावहारिक ज्ञान और समझदारी बढ़ती गई। उनके जीवन की उन बातों के बारे में जब उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से प्रभावित किया, उन घटनाओं को न सिर्फ वंचित रह गए और हमें इन्हें याद करते हुए इस मौके पर बड़ा ही गर्व महसूस होता है। इस मौके पर उपस्थित गण अमर जी, प्रतीक जी, साहिल जी, सज्जन जी, सत्यम जी, विकास राज, कुमार सानू, राकेश कुमार, नागमणि जी, सभी लोग इस समारोह में उपस्थित रहे। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए